Hi, this is Monica Bedi and I am here with one more amazing trick of chemistry which is for flame test. But to flame test ke color se related bahut zyada questions puche jate hain and therefore I decided ki I should put this trick in front of you. So bacho fatafat pehle dekhte hain ki flame test kya hota hai aur kyun aata hai. Basically alkali and kuch alkaline earth metals jo hote hain wo flame mein particular colors dete hain. Uska karan hai ki unke electrons loosely bound hote hain aur flame ki energy se excite ho jate hain. Ab koi bhi cheez apne excited level mein to nahi reh sakti hai. Eventually niche to aayegi sahi. To yahi electrons jab wapas apne ground level pe lautte hain to ye absorbed energy ko emit karte hain as visible light. This is the reason why they are colored, ठीक है? But color सबके अलग-अलग होते हैं, तो color याद रखने के लिए एक amazing सी trick है। उससे पहले मैं बता दूं कि alkali metals जो होते हैं, वो सारे के सारे characteristic colors देते हैं, जबकि alkaline में आपको ध्यान रखना है कि beryllium and magnesium color नहीं देते हैं, जिसका कारण है कि छोटे साइज की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि वो फ्लेम की एनर्जी से एक्साइट नहीं होते। इजी भाषा में फ्लेम की मामूली एनर्जी उनके टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए सफिशियंट नहीं होती है, यही कारण है कि वो रंग नहीं दे पाते। अब जो रंग देते हैं, अब रंग कौन दे रहे हैं? सारे के सारे alkali and alkaline earth metals except beryllium and magnesium। और वो कौन कौन से रंग दे रहे हैं वो हमको याद रखना है, तो उसके लिए एक प्यारी सी ट्रिक है। देखिए, ट्रिक याद करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा, 4 से 5 बार आपको इसको बना बना के देखना पड़ेगा इन द वे आई एक्सप्लेन इट टू यू। देखो, सबसे पहले आपको ऐसा क्रॉस करना है और क्रॉस करके ऐसा बीच में से क्रॉस कर देना है। अब क्या करना है, ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करना है आपको एलिमेंट्स और बीच में यहाँ जो व्हाइट से दिखाई विबग्योर है, विबग्योर ना करके वबग्योर करें तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आई मीन नथिंग, ठीक है? तो इधर से आप स्टार्ट करेंगे व ब देन जी वाई ओ आर, ठीक है? आई रिपीट वंस अगेन, आपको क्रॉस करना है और बीच में से काटना है, उसके बाद व ब वबग्योर, डोंट कॉल इट विबग्योर, कॉल इट वबग्योर, सो व ब क्योर, ठीक है? अब आपको एलिमेंट्स अरेंज करने शुरू करने हैं। बहुत प्यारा सा एक निमोनिक्स है केमिस्ट्री में, तो वैसे भी बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं। तो लीजिए शाहरुख और करीना रणवीर के साथ पंजाबी गाने पे क्यों इतना बढ़िया नाचे, ठीक है? तो आपको ये लाइन भी इजीली याद हो जाएगी, इतना इजी लाइन लीजिए शाहरुख और करीना रणवीर के साथ पंजाबी सॉन्ग पे क्यों इतना बढ़िया नाचे, ठीक है? तो ये बहुत इजी है। बट यहाँ पे आप देखो कि ये जो एक बीच की लाइन है, इस पर हमने रूबिडियम को बिठा रखा है और इधर इस लाइन के बिल्कुल ऐसा बॉर्डर लाइन पे हमने कॉपर को बिठा रखा है। यहाँ पे ये सवाल उठता है, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन दैट रूबिडियम रेडिश वॉलेट कलर का होगा और हमारा जो कॉपर है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का फ्लेम टेस्ट देगा, ठीक है? लेकिन अब हम इसको कैसे याद रखें? तो रणवीर कह रहा है कि मुझे ही क्यों आपने बॉर्डर लाइन पर बिठाया है। तो हम इस बात को लर्न करते वक्त ये बात बार बार अपने मन में दोहरा सकते हैं कि रणवीर ही क्यों, बाकी और कोई क्यों नहीं, तो रणवीर ही क्यों। अगर आप ये बात आपके मन में बैठा लेते हो तो रणवीर ही क्यों नाम से आपको ये याद रह जाएगा कि रणवीर किनारे पे बैठ गया, मतलब बॉर्डर लाइन पे, ठीक है? रणवीर इज नो वन एल्स अदर देन हमारा रुबिडियम एंड क्यों, क्यों मतलब कॉपर, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको सारे कलर्स याद हो जाएंगे। मैं फिर से दोहराती हूँ, क्रॉस करना है, बीच में से काटना है, वब ग्योर के सीक्वेंस में कलर्स अरेंज करने हैं और ऊपर से शुरू करते हुए लीजिए शाहरुख और करीना रणवीर के साथ पंजाबी सॉन्ग पे क्यों था बढ़िया नाचे। अब यहाँ एक और छोटा सा ट्विस्ट एंड फाइनल ट्विस्ट इसके बाद ही खत्म होता है। ये जो दो हैं ये क्रिम्सन रेड कलर के हैं और ये जो एक है दिस इज ब्रिक रेड कलर, क्रिम्सन रेड कलर एंड ब्रिक रेड कलर। अगर हम बेरियम की तरफ देखेंगे तो वो ग्रीन में बोल के हम उसको टू बी प्रिसाइज वी विल कॉल इट एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन। तो ये छोटा सा एक ट्विस्ट है कि आपको रेड का भी थोड़ा सा याद रखना है कि पहले दो एलिमेंट्स क्रिम्सन रेड है, बाद वाला ब्रिक रेड है और ये एप्पल ग्रीन है। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन होता है कि नहीं होता। यहाँ पे मैंने ये जो विजुअल लगाया है ये कुछ कुछ फ्लेम को आपको दिखाने के लगाया है कि किस तरीके से कलर्स आते हैं, जैसे कि येलो कलर हमारा आ रहा है सोडियम का, ठीक है? उसके अलावा हमारा और भी कई कलर्स जो है वो इस विजुअल में आपको दिखेंगे। ये देखिएगा, ये देखो, ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड का कलर आ रहा है और पोटेशियम वॉयलेट कलर का होता ही है, तो इस तरीके से पोटेशियम फ्लेम होती है। तो दिस इज हाउ ब्यूटीफुली फ्लेम टेस्ट्स आर डन फॉर वेरियस अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है? मैं मूविंग अहेड, सबसे पहले जेईई मेंस 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट सीवाई क्यों करना चाहूंगी जो कि फ्लेम टेस्ट से पूछा गया था। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, ट्रिक आती है, तो ये क्वेश्चन देखो कितने सारे सवाल के, अभी अपन ने देखा पोटेशियम वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है? पोटेशियम आपका होता है वॉयलेट कलर का, ऑलराइट? एंड उसके बाद कैल्शियम के लिए हमने बोला था भाई लीजिए और शाहरुख लिथियम स्ट्रॉन्शियम, ये क्रिम्सन रेड होते हैं, करीना यानी कैल्शियम वो ब्रिक रेड है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिक रेड। फिर उसके बाद आप देखो बेरियम के लिए हमने एप्पल ग्रीन अलग से याद किया था कि बेरियम जो है वो ग्रीन की कैटेगरी में आता है, बट थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं एप्पल ग्रीन, तो ये एप्पल ग्रीन हो जाता है। और स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड, क्योंकि आप लीजिए शाहरुख और करीना जो है वो बेसिकली किस कैटेगरी में आ जाएंगे, क्रिम्सन रेड, तो ये हो जाएगा देखो क्रिम्सन रेड और ये ब्रिक रेड, ये दोनों क्रिम्सन रेड और कैल्शियम हो जाएगा ब्रिक रेड, ठीक है? तो देखो कैल्शियम हो गया ब्रिक रेड और आपका स्ट्रॉन्शियम हो गया क्रिम्सन रेड, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया, 2143 एंड दिस इज 43 2143 2143, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3 2 1 4 एंड 3, ठीक है? सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन आर सो इजिली डन। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि ट्रिक कैसे याद करेंगे तो आप बस इसको बहुत ही फनी अंदाज में समझिए, 4 से 5 बार बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए और ये परमानेंटली आपके दिमाग में लॉक हो जाएगी, ठीक है? दैट्स इट अबाउट दिस। एंड अगेन मैं बताना चाहूंगी कि हमारी ऐप पे जीवन एंड जीनियस बैचेस ऑलरेडी लाइव हैं, जहां हम हजारों बच्चों को किसके लिए पढ़ा रहे हैं, जेईई के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है? 2024 एस्पिरेंट्स के लिए जीवन बैच है, जहां पे आपको सारा का सारा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से फिल्टर होकर मिलता है, जिससे आपको बेनिफिट ही मिलता है, क्योंकि टाइम बहुत सेव होता है। एंड दिस इज द यू नो
एक अच्छे टीचर का रोल होता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली #1 टीचर्स मिल रहे हैं, 6 वो टीचर्स मिल रहे हैं जो पिछले कई सालों से जेई की हर शिफ्ट में एंड एडवांस में लाइव आ जाते हैं, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, और इस तरीके से जो क्यूरेटेड एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे इन बैचेस में क्वालिटी डाली गई है। तो आपका टाइम बहुत सेव होने वाला है क्योंकि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एंड फिल्टर्ड मटीरियल पढ़ाया जाएगा, विच विल रियली सेव योर टाइम। ठीक है, DPPs आपको सारे चैप्टर्स की मिलेगी, DPPs में भी उन्हीं क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा आपको दिखेगी जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ PYQ। सो यू विल कम टू नो कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि कई बार बैचेस सब जगह कॉस्ट फ्रेंडली हो या किसी जगह कॉस्ट फ्रेंडली हो, उसमें DPPs ऐड होकर कंटेंट ऐड होकर टेस्ट सीरीज ऐड होकर फाइनली वो मेगा महंगा हो जाता है। बट हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो भी प्राइसिंग हम ऑफर कर रहे हैं वो हर चीज इंक्लूड करते हुए इट इज वेरी वेरी कॉस्ट फ्रेंडली। जीनियस हमारे 2025 के लिए है एंड सिमिलर फीचर्स हैं 100+ लाइव क्लासेस के साथ। एंड अगर आप बैचेस में नहीं भी एनरोल हो रहे बट आप फ्री रिसोर्सेस को जरूर यूज कीजिए, जैसे कि हर चैप्टर पे फ्री टेस्ट है, तो आप ऐप पे जाइए उसको इंस्टॉल कीजिए, उसका टेस्ट दीजिए एंड यू विल लव इट। बिकॉज आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है या आप कोई क्वेश्चन कर नहीं पाते हो तो आपको उसका सोल्यूशन वहीं पे मिलेगा, आपको किसी टीचर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। सो यू विल लव द एक्सपीरियंस एंड यू विल लव द ऐप। एंड इस पर हमें जरूर बताइएगा कैसी है। एंड फाइनली बोलूंगी कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। लव यू ऑल, बाय बाय।